दोस्तों इतना जबरदस्त है क्योंकि ये जो राष्ट्रगान था ना, ये इस एक्ट का पार्ट नहीं था, लेकिन जैसे हम लोग मूवी पिक्चर हॉल में देखने जाते हैं तो यकायक से राष्ट्रगान शुरू हो जाता है और सभी अपने अपने ऐसा लग रहा था कि इस एक्ट में मैं खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा था, वहां पर बैठा करता जब राष्ट्रगान शुरू हुआ। किस तरीके से मैम ने अपने आप से भारत माता की जय, वंदे मातरम, उधर से इंदिरा जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू किया, इसका मतलब हम लोगों ने इस एक्ट को दिल से, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने जो शहादत हमारे इस देश के लिए दी है ना, वो भुलाई नहीं जा सकती। एक बार जोरदार तालियां हमारे लिए नहीं, भगत सिंह, राजगुरु, आप लोगों को पता होगा भगत सिंह जी जब अपना घर छोड़ के गए तो उन्होंने दो पत्र लिखे थे। एक पत्र अपने पिताजी को, क्योंकि उनके पिताजी उनकी शादी करवाना चाहते थे, जिसमें उन्होंने अपना घर छोड़कर एक पत्र लिखा कि पिताजी मैंने अपना ये जीवन अपने देश के नाम कर दिया है तो मैं शादी वादी नहीं करूंगा। और जो दूसरा पत्र था वो उन्होंने अपनी महबूबा को लिखा था, अनऑफिशियल पत्र था जिनसे उनकी सगाई हुई थी। ये बहुत सुंदर पत्र है बेटा, एक मिनट, हेलो, आप लोग चाहते हैं कि मैं वो सुनाऊं पत्र? तो आप लोगों को ना वो शांति से सुनना पड़ेगा, दो मिनट का, बैठ जाओ एक बार जहां पर आप लोग खड़े हैं। और चंचल मैम, चंचल मैम, हाँ, आप लोग प्राइस के लिए बच्चों को रेडी करवा लो ना, ओके, यस, इसको बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। देखो बहुत जोरदार पत्र है और ये कविता के रूप में है ये पत्र। अगर अच्छी लगे तो आप लोग ताली बजाना और अच्छी नहीं लगे तो भगत सिंह को याद करके बजा लेना। सर, जब भगत सिंह ने अपना घर छोड़ा, एक पत्र, मैम, निकी मैम, या तो गेट बंद कर दो, आप बच्चों को थोड़ी देर बाहर रख लीजिए, यस, थैंक यू। उन्होंने पत्र लिखा अपनी महबूबा को और उस पत्र के अंदर उन्होंने लिखा, आबो हवा जहर है, चारों तरफ कहर है, आलम नहीं है ऐसा कि इश्क कर सकूं। उसको बता रहे अपनी महबूबा को, पापा को तो लिख ही दिया था कि पापा आपने यज्ञोपवीत जब मेरा किया, भगत सिंह की जो फैमिली थी वो आर्य समाज को मानती थी और उनका यज्ञोपवीत हुआ था, जनेऊ उनको पहनाई थी, तो भगत सिंह को उन्होंने दान कर दिया था देश को। तो भगत सिंह ने एक पत्र पिताजी को लिखा और एक अपनी महबूबा को लिखा, उसने क्या लिखा, आबो हवा जहर है, चारों तरफ कहर है, आलम नहीं है ऐसा कि इश्क कर सकूं मैं तुझ पे मर तो जाता पर क्या तुम मेरी जान, हालात ऐसे ना है कि तुझ पे मर सकूं, हालात ऐसे ना है कि तुझ पे मर सकूं। उसने किसी भी बता रहे कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम है, मैं मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं शादी नहीं कर सकता, याद दिलाते हैं अपनी महबूबा को, ये खून भीगी होगी, ये सर कटी बैसाखी, बैसाखी का कांड हुआ था जलियांवाला बाग, हजारों हमारे भारतीय सिपाही हमारे जो वहां पे जब वो बैसाखी का दिन सेलिब्रेट कर रहे थे अमृतसर के अंदर, वहां पे जनरल डायर आता है, ऑर्डर करता है फायर और हजारों हमारे भारतीय लोगों को हमारी भारतीय सैनिक गोली से मार देते हैं। ये गुलाम मानसिकता को दर्शाती है कि एक अंग्रेज आता है बाहर से और वो जो आर्मी ऑफिसर्स थे जो उनकी ब्रिटिश की जो आर्मी में थे वो इंडियंस ही थे, तो जनरल डायर बोलता है फायर और इंडियंस लोग इंडियन को ही मार रहे होते हैं, तो वो याद दिलाता है अपनी महबूबा को, ये खून भीगी होली, ये सर कटी बैसाखी, ऐसे में तेरी चुनरी क्या ओढ़ पाऊंगा मैं, पूछते उससे, ये खून भीगी होली, ये सर कटी बैसाखी, ऐसे में तेरी चुनरी क्या ओढ़ पाऊंगा मैं, ये मांग उजड़ा टीका, ये सुन बैठी मौता, ऐसे में तेरे कंधन क्या चुन पाऊंगा मैं, ऐसे में तेरे कंधन क्या चुन पाऊंगा। लेकिन भगत सिंह कहते हैं विश्वास करते थे बहुत प्रेम के अंदर, और वो कहते प्रेम के अंदर मेरा देश स्वतंत्र होता तो मैं अपना पूरा जीवन अपनी महबूबा की बाहों में बिताता। भगत सिंह बहुत सुंदर थे, छह फीट का लड़का था और सबसे क्रांतिकारी में सबसे सुंदर था भगत सिंह, तो वो उसको कहते हैं अपनी महबूबा को अगली दो पंक्तियों में, ईसा के लिए गवाही, गौतम के लिए गवाही, हजरत कबीर नानक के मन के लिए गवाही, मीरा कसम है मुझको, राधा कसम है मुझको, है दूसरा जन्म तो लेना जन्म है मुझको, उस दूसरे जन्म में सिंदूर लाऊंगा मैं, तेरी कसम का डोला तेरा उठाऊंगा।
लाभ देगा वो भावना है। और ये अन्य जीवन करने में आएगा सबसे और देश की शादी करनी है, जिस जीवन को मैंने अपने देश के नाम अपनी मातृभूमि के नाम कर दिया है। इतना सुंदर एक्टिंग बच्चों ने किया, हमने आज अलग अलग तरीके के एक्ट देखे, नौ देवियों का एक्ट देखा, हॉरर शो देखा, पंजाबी देखा, महाराष्ट्रीयन देखा, राजस्थानी भी देखा और एक वेस्टर्न सॉन्ग भी किया था मेरा नाम चिंचिन चू वाला गर्ल्स ने, है ना। और गणेश वंदना भी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी पूरी स्प्राउट्स टीम ने। अब मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना प्राइज सेरेमनी जो है उसके लिए मैं इन्वाइट करता हूँ वापस से अपने होस्ट विनीता लोधिया जी को, और मैम को बोलूंगा कि वो जो गिफ्ट और मेडल जिन्होंने जीते हैं है ना, उन बच्चों को एकदम लाइन से रेडी करें। प्राइज देने के लिए मैं स्प्राउट्स की को फाउंडर लवीना मिस्वानी मैम और हमारे कोतार ग्रुप एजुकेशन ग्रुप के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर आनंद कोतार जी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन।